ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ का गेम हो चुका है और बीजेपी की सरकार बन गई है। राजस्थान में भी सियासी संकट बदस्तूर जारी है, इसे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की कोशिश की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि मेरी सरकार गिराकर बताओ, तब देखता हूँ। एक इंटरव्यू में ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं अभी देखता हूँ। उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार तीन पहियों वाली है लेकिन वह गरीबों का वाहन है, पर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव कराना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। बातों हुई बातों में सीएम उद्धव ठाकरे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको आपकी पार्टी में ऐसा क्या नहीं मिलता कि आप दूसरी पार्टी में जाते हैं। कई जगह पर ऐसे उदाहरण है, ऐसे तोड़फोड़ होता है उसके पीछे इस्तेमाल करो और फेंक दो, यही नीति सबने अपनाई है। वहीं तीन पहियों वाली सरकार के आरोप पर महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि सरकार तीन पहियों वाली है लेकिन वह गरीबों का वाहन है। मैंने इतना ही कहा कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते सर्वांगीण विकास करूंगा, लोग मेरे साथ हैं इसलिए मैं बुलेट ट्रेन ले जाऊं, ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक कि वो सर्वमत से ना हो, इसलिए तीन पहियों तो तीन पहिया, वह एक दिशा में चलता है ना, फिर आपका पेट क्यों दुखता है। सीएम उद्धव ने सवाल पूछते हुए कहा कि केंद्र में कितने पहिए हैं, हमारी तो ये तीन पार्टियों की सरकार है, केंद्र में कितने दलों की सरकार है बताओ ना। पिछली बार जब मैं एनडीए की मीटिंग में गया था तब तो 30-35 पहिए थे, मतलब रेलगाड़ी थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो महाराष्ट्र, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।